हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल माई रसोई में। चलिए आज बनाते हैं हम पिज़्ज़ा, जिसे हम बनाएंगे आज गेहूं आटे से। तो चलिए शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। एक कटोरी हम गेहूं आटा लेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच शक्कर, शक्कर ज़रूरी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक कटोरी लेंगे यहाँ पर दही, और थोड़ा थोड़ा दही ऐड करके हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके 20 से 25 मिनट फिर इसे हम ढक के रख देंगे। 25 मिनट हमारा हो गया, हमारा डो भी अच्छे से भीग गया है। इसे हम हल्के से हाथों से सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसका मैं चार पिज़्ज़ा बनाऊंगी। यहाँ चार लोई तोड़ लेंगे और इसका हम पतला रोटी बनाएंगे, हम मीडियम बनाएंगे, ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा। और किनारे किनारे को हम हाथों से टैप टैप कर लेंगे, और चम्मच की सहायता से हम यहाँ पर हल्का हल्का ऐसे छेद करते जाएंगे। एक पैन गरम करेंगे और उसमें छेद वाला भाग को हम डाल के रख देंगे, थोड़ा देर सेकने देंगे अच्छे से गोल्डन होने तक। तब तक दूसरा हम तैयार कर लेते हैं, सेम वैसे ही तरह जैसे हम पहला पिज़्ज़ा रेडी किए हैं। गोल्डन होने तक इसे अच्छे से सेकना है, तब तक चलिए। अब इसमें हम ला लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे टमाटर सॉस और इसमें हम चीज़ ग्रेट कर लेंगे। अब डालेंगे गाजर, लंबा लंबा काट लिए मैंने, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, डालेंगे चिली सॉस, फिर से इसमें हम चीज़ अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ऊपर से इसमें हम डाल देंगे पिज़्ज़ा मिक्स। अब इसे हम पैन में डाल के ढक के 7 से 8 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, तब तक दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर लेते हैं। गेहूँ आटा से बना है, नुकसान भी नहीं करेगा और बना भी टेस्टी है। और इसमें भी अच्छे से चीज़ को हम ग्रेट कर लेंगे। 8 मिनट हो गए हमारे, चलिए देखते हैं। देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। और ये दूसरा भी हम इसमें डाल के इसको भी 8 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे एकदम मीडियम फ्लेम में। और देखिए हमारा पिज़्ज़ा हो गया।